अधिकृत नहीं है, आने के लिए तो अधिकृत है ना सर, आप नहीं आए इस तो आप ही बताएंगे सर। और कौन सब लोग आया है, आप ही सबसे कितने कितने बजे आए हैं सर? एकदम टाइम पर सब लोग आ गया। लेकिन ग्रामीण तो ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर कैमरा मत छुइए, कैमरा टच मत कीजिए प्लीज। आपको हम आपका काम नहीं सिखा रहे, तो हमें हमारा काम आप मत सिखाइए। 3 घंटे के बाद है, 9 बजे प्रशासन है, 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है, 9 बजे। 1 महीने के अंदर सर अभी 8 एक्सीडेंट हो गए यहाँ से लेकर के मकेर के बीच में, 8 एक्सीडेंट। 10वां एक्सीडेंट तो यहाँ पे। तो आप लोग कभी इस चीज को लेकर प्रशासन से शिकायत नहीं करते हैं? बोला जाता है वोट बनाने के लिए, नहीं सुनता है। दारू भी पास होता है, सरेआम दारू पास होता है, सरेआम। नमस्कार, देख सकते हैं मेरे पीछे ये बालू लदी हुई ट्रक है और ये अभी रुकी हुई है जो सड़क छपरा से गरखा को जोड़ती है उस पे। और ऐसे ही निर्बाध जो ओवरलोडेड बालू के ट्रक हैं उनका इस पथ पे आवागमन होता है, जो आए दिन दुर्घटना के रूप में हमें देखने को मिलता है। और आज ये भी हुआ है, एक दुर्घटना हुआ है यहाँ जहाँ ये अभी ट्रक खड़ी है। कि आप बताएंगे कि कौन सी जगह है? कहारपुर। और यहाँ क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। कितने बजे? 6 बजे के करीब में हुआ। जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है उनकी उम्र बताएंगे? उनका ना 50 का नीचे 48 है। नाम? नंद कुमार। तो आप देख सकते हैं ये पहाड़पुर जगह है और यहाँ नंद कुमार राय जी की वो भी मृत्यु हो चुकी है उनकी, और उनकी स्पॉट डेथ हुई है। और इसी इस ट्रक में जो ये ओवरलोडेड ट्रक है, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस ट्रक को दिखाइए। ये जो ओवरलोडेड ट्रक है ये निर्बाध आवागमन होता रहता है इस पथ पे, और आप देखेंगे कि इस ट्रक पे। और आइए, और आप इतनी बुरे बिल्कुल, और ग्रामीणों का जो कहना है वो सुनिए, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसे ओवरलोडेड गाड़ी पास होते रहते हैं। आप जब भी इस सड़क पे आएंगे यहाँ से लेके आपको पटना तक स्थिति ऐसी ही देखने को मिलेगी, आपके पास चलने के लिए जगह तक नहीं मिलेगा। आइए ग्रामीणों से जानते हैं क्या बताते रहे भैया। बताइए, यहाँ पे ओवरलोड गाड़ी पार होता है, सब थाना के संपर्क से होता है, थाना यहाँ पे संरक्षण देता है, पार होता है, और इसके साथ यही होता है, रोज प्रतिदिन दुर्घटना होता है। तो आप देख रहे हैं जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं, आए दिन इस सड़क पे दुर्घटना होती रहती है और इसमें थाना और प्रशासन की मिलीभगत है, जिनकी वजह से ये निर्बाध आवागमन होता रहता है इस गाड़ी में। अगर आप इस रास्ते से गुजरे, 1 महीने के अंदर सर अभी 8 एक्सीडेंट हो गए यहाँ से लेकर के मकेर के बीच में, 8 एक्सीडेंट। 10वां एक्सीडेंट तो यहाँ पे। तो आप लोग कभी इस चीज को लेकर प्रशासन से शिकायत नहीं करते हैं? बोला जाता है वोट बनाने के लिए, नहीं सुनता है। दारू भी पास होता है, सरेआम दारू पास होता है। आप इन ग्रामीणों के मुख से सुनने वाली बातों से स्पष्ट समझ सकते हैं कि बिहार की प्रशासनिक स्थिति अभी क्या है। जिस बिहार में, जिस सारण जिले में अभी कुछ दिनों पहले, महीनों पहले से इतनी बड़ी शराब कांड हुई थी, वहां पे जैसा ग्रामीण बता रहे हैं इसी रास्ते से अक्सर शराब जाया करती है। बालू की स्थिति आप देख सकते हैं, ओवरलोडेड ट्रक, और आए दिन लोगों को अपनी जान माल का नुकसान होना पड़ता है। जो आम राहगीर है, जो मेहनत कश मजदूर है, जिन्हें काम करके खाना खाना होता है, उनकी मृत्यु होते रहती है एक्सीडेंट में, और इन सब पे प्रशासन सिर्फ आती है उनकी डेड बॉडी उठाने और ले जाने। 3 घंटा के बाद आता है प्रशासन। कितने घंटे बाद आई प्रशासन? बोलिए कि 3 घंटा के बाद है, 9 बजे प्रशासन है, 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ है, 9 बजे। अभी आप लोग बॉडी को कहाँ ले जा रहे हैं? पोस्टमार्टम के लिए जा रहा है सदर में। 3 घंटा बाद प्रशासन आया है, अभी 3 घंटा बाद प्रशासन आया है, अभी 9 बजे आया है। आइए, करने के बाद फोन उठाता नहीं है। आइए जो अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 6:30 के एक्सीडेंट में इन्हें 3 घंटे बाद आने की फुर्सत मिलती है। भैया थोड़ा साइड दीजिए, फोन कोई नहीं उठाता है, नहीं आता है लोग कोई। एक्सक्यूज मी सर, जवाब दे, ऑफिस में लेके चल जाइए, यहाँ कोई नहीं बोलेगा। क्यों सर? एसपी से नीचे का कोई अधिकृत नहीं है मीडिया को बयान देने। मतलब सर अधिकृत नहीं है, आने के लिए तो अधिकृत है ना सर, आप नहीं आए इस तो आप ही बताएंगे सर। और कौन सब लोग आया है, आप ही सबसे कितने कितने बजे आए हैं सर? एकदम टाइम पर सब लोग आ गया। लेकिन ग्रामीण तो ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं सर। सर कैमरा मत छुइए, कैमरा टच मत कीजिए प्लीज। आपको हम आपका काम नहीं सिखा रहे, तो हमें हमारा काम आप मत सिखाइए। आप देख सकते हैं ये पुलिस का रवैया है, जिस पुलिस को संवेदनशील होना चाहिए ये पुलिस वाले कर रहे हैं कि पहले आ चुके हैं। काम आपकी बन रही है सर, सारे काम हो गए हैं।
मतलब कौन से काम सर, मेरा कौन सा काम आप कर रहे हैं ये बताइए। मेरा काम सर दिखाना है सर। ग्रामीण क्या बोल रहे हैं, ग्रामीण झूठ बोल रहे हैं सर। तो आप देख सकते हैं ये पुलिस के लोग हैं, इनका कहना है कि काम बना रहे हैं, पता नहीं कौन सा काम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर ये पूरा ट्रकों का अंबार लगा पड़ा है और ये आए दिन ये निर्बाध ट्रक आते जाते रहते हैं। आइए आप इधर इधर ट्रकों को दिखाइए, इन ट्रकों का निर्बाध आवागमन होता है और अक्सर यहाँ पे इसी कारण जाम लगे रहते हैं, लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रक और ये सारे बालू लदे हुए ट्रक हैं जो निर्बाध आवागमन होता रहता है यहाँ पे ट्रकों का। छिपने दीजिए, अगर आप पुलिस वालों से पूछें तो एसपी साहब आएंगे नहीं, और जो यहाँ पे आए हुए लोग हैं वो बोलेंगे कि आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट लेना है, कोई भी बयान लेना है, तो आप जाइए एसपी ऑफिस यहाँ से 5-8 किलोमीटर दूर, वहाँ जाकर आप स्टेटमेंट लीजिए, जबकि दुर्घटना पहाड़पुर में हो रहा है। ग्रामीणों का यहाँ पे जाम बंदी था, लेकिन ग्रामीणों ने अब चूंकि बॉडी जो शव है उसे ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस, तो ग्रामीणों ने जो ट्रैफिक था, जो यातायात था, उसे सुचारू रूप से आने जाने दिया, उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। सारी गाड़ियाँ अब निकल रही हैं, आप देख सकते हैं धीरे धीरे। हालांकि ये घटना शाम के 6:30 बजे की है और अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। और जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि पुलिस वाले भी कितने देर पहले आए हैं, पुलिस वाले भैया तो हमको जानकारी है, हम तो आ रहे हैं। अच्छा, आप तो हमारे भूतपूर्व विधायक जी हैं। अभी कब चलेंगे सही देखेंगे बारिश उधर के लोग हो। तो जैसा ग्रामीण बता रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं, जो प्रशासन है, वो 3 घंटे बाद आएंगे। वो भी आकर उधर भाटा के पास में रुका हुआ था, आकर भाटा के पास में रुका हुआ था, यहाँ पे नहीं आया था। यहाँ कितने बजे पहुँची प्रशासन? यहाँ पे 9:30 के आसपास में आया। हाँ, क्या बता रहे हैं? तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इस गाड़ी से जो शव था उसे पोस्टमार्टम हाउस ले जाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन देर से पहुंची है, लेकिन प्रशासन ने ग्रामीणों को समझा के और संवेदनशीलता के साथ अब इसे ले जाया जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस, और आगे की कार्रवाई वहीं होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। मैं कुमार मीणा, बहुत बहुत धन्यवाद।